और अब आपको बता देते हैं कि यूपी में दलित वोट बैंक कितना बड़ा है और इसकी कुल मतदाताओं की संख्या में कितनी बड़ी भागीदारी है, इस आंकड़े को समझिए क्योंकि ये आंकड़ा भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर प्रदेश में दलित वोटर की अगर बात करें तो 21% से के करीब की अगर हम बात करें तो इनमें से जाटव की अगर बात करें तो 11% जाटव है, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, और इसके अलावा खटीक, धनगर, बाल्मीकि और अन्य 4.5% है। तो ये आंकड़ा कुल मिलाकर बनता है। अब आपको बताते हैं कि एससी और एसटी के लिए सुरक्षित सीटों पर पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नतीजे कैसे रहे, ये आंकड़ा जानना भी बेहद जरूरी है। इस आंकड़े पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। देखिए, दलित वोट बैंक के गणित को समझिए। यूपी में विधानसभा की कुल 86 सीटें आरक्षित हैं। 2007 विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 86 में से 76 सीटें जीती। लोकसभा की 80 में से 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। 2014 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो सभी 17 सुरक्षित सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो ये स्थिति बनी। 2019 की बात करें, लोकसभा चुनाव 15 सीट पर भाजपा गठबंधन की जीत हुई। 2019 की अगर बात करें तो ये आंकड़ा आपके सामने है, 2019 की अगर हम बात कर रहे हैं। और 2019 चुनाव में 14 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर अपना दल एस की जीत हुई। तो ये आंकड़ा बना। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव बसपा सिर्फ 2 सुरक्षित सीट पर जीत पाई थी। 2019 की अगर बात करें तो ये तस्वीर निकलकर सामने 2019 के चुनाव की आई थी। अब आपको 2017 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, इस आंकड़े को भी आप जान लीजिए। ये आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एससी के लिए कुल 84 सीटें आरक्षित है, और अगर हम इसमें जीत और हार की बात करें, नतीजों की बात करें, तो एससी के लिए आरक्षित 84 सीटों की अगर बात करें तो भाजपा 74, सपा 7, निर्दलीय 1, बसपा 2, और बसपा ने सिधौली और लालगंज सीटें जीती थी। इन 2 सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो ये 2 सीटें थी। और अब बात अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सुरक्षित सीटों के नतीजों के कर ले तो 2017 में ये दोनों सीटें भाजपा की झोली में गई थी, क्योंकि 2 सीटें हैं जो एसटी के लिए आरक्षित है और दोनों भाजपा ने जीती। 2017 के नतीजों की अगर बात करें तो एसटी के लिए सुरक्षित सीट 2, भाजपा गठबंधन को 2 सीटें मिली थी और सपा बसपा को कोई भी सीट नहीं मिली थी। अनुसूचित जनजाति के लिए दुद्धी और ओबरा सीट सुरक्षित है। दुद्धी में बसपा के 7 बार के विधायक विजय सिंह गोंड हारे और अपना दल एस के हरी राम ने जीती थी दुद्धी सीट। ओबरा में बसपा के वीरेंद्र प्रताप सिंह 3रे नंबर पर थे और भाजपा के संजीव सिंह उर्फ संजय गोंड ने जीत दर्ज की थी इस सीट पर, और मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह भी मिली। सीएम योगी ने संजय गोंड को राज्य मंत्री भी बनाया। तो ये दलित वोटों का गणित हमने आपको बताया कि क्या ये गणित और कितना महत्वपूर्ण ये गणित उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से।